गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास थर्ड, क्लास क्लास थर्ड मैथ चैप्टर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री सब्ट्रैक्शन। मुझे चैप्टर नंबर थ्री सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज थ्री डी। एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बताया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिंपली देखिए सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मीन्स होता है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ कर दिया जाता है तब आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें आपको, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना पड़े तो आप कैसे करेंगे, इसको हमने कल एग्जांपल के द्वारा समझाया भी था। अब देखिए इस पर एक्सरसाइज में कैसे करेंगे। सबसे पहले ए दिया है 4986 में प्लस का 3431 में से अब 5897। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर तो अपनी जगह सही है, 4986 आपने लिख दिया है यहाँ पे 4986 प्लस। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि 3431 में से 5897 को सबट करना है। सबसे पहली बात कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसको आप इधर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 5897-3431, तो ये पूरा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए 3431 क्या है, प्लस था, और यहाँ पे 3431 क्या है, आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे जो 5897 के आगे माइनस था तो आपने इसके आगे प्लस कर दिया। तो आप ये जो चीज है, अगर आपने इसको नंबर को आपने उसका उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ पे 5897 माइनस था तो आपने इसको प्लस बना दिया और 3431 को आपने प्लस को माइनस कर दिया, माइनस बना दिया। तो अब अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत है। अब इसे आपने लिखा 4986 प्लस, अब आपने इसको क्या किया 5897 में से आपने 3431 को माइनस कर दिया। तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया और 5 में 3, आपने इसमें 2466 कर दिया। फिर आपने क्या किया, इसको काट के इसमें 4986 को आपने प्लस कर लिया। अब यहाँ देखिए 66 स्क्वायर हुआ, 6 8 14 15 हुआ, 9 10 14 हो जाएगा, 4 2 6 7, आपने आंसर लिखा 7 4 5 2। इतना करके आप चलो, आपने लिख दिया और आपने माना कि मेरा आंसर सही है। तो ये पूरा का पूरा गलत। क्यों गलत है, क्योंकि आपने जब यहाँ से गलती स्टार्ट होगी तो यहाँ तक पूरी गलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए फिर से आप कैसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती यह है कि आपने 5897 इसके आगे माइनस था तो आपने इसको प्लस बना दिया, और यहाँ पे देखिए कि ये 3431 इसके आगे आपने माइनस लगा दिया, इसलिए पूरा का पूरा गलत है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ग्राफ कॉलम बना लिया, देखिए जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस साइन वाला नंबर है उसको पहले ऐड करेंगे। देखिए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, आप यहाँ पर 4986 में आप क्या करेंगे 3431 को प्लस करेंगे, तो 617 हुआ, 8311 हुआ, ये 14 हो जाएगा, 4 3 7 8,
मतलब कि आया आपका 8417 8417, क्योंकि ये भी नंबर प्लस का है, ये भी नंबर प्लस का है, मतलब कि आपने इसको और इसको इस दोनों को आपने प्लस कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आपके माइनस है, अब इसके आगे कोई नंबर है नहीं, इट मींस कि यहां पे माइनस किए और 5897 लिख दीजिए, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर है नहीं जिसका आप माइनस वाला नंबर को प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर है। इस पे सबसे पहले आपने एडिशन किया, फिर एडिशन के बाद आप सबट्रैक्शन करेंगे, तो यहां पे 8417 में से 5897 को माइनस कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, माइनस कर दें, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे सबट्रैक्शन कर रहे हैं, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 8 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, तो आपका आंसर आएगा 2520। फिर करने के बाद आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, आप पीछे जो है 3D एक्सरसाइज देख लीजिए आंसर आपका सही कि गलत। देखिए यहाँ पे 3D करके सेकंड दिया है, देखिए 2520 है, इसका मतलब ये आपका सही करेक्ट आंसर है। चलिए एक और हम आपको समझा दे रहे हैं, देखिए ABCD ठीक इसी तरह है, लेकिन E वाला जो है थोड़ा सा इसमें वो हो गया है, चलिए E वाला हम बता दे रहे हैं। ये ई वाले में आएंगे, ई में भी आया है 4139 माइनस, सॉरी 4139 प्लस का 238 माइनस का 2312 और माइनस का 1227। अब यहां पे देखिए कितने नंबर, 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 नंबर है, तो सबसे पहले जो प्लस साइन का होगा, जो सबसे पहले प्लस साइन का नंबर होगा उसको पहले आप ऐड करेंगे, तो प्लस साइन का ये भी है, ये भी प्लस साइन का है, इसमें इसको ऐड करेंगे, यानी 4139। अब ये नंबर 3D का है तो 100 का कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके आगे 0 लगा देंगे, यानी कि 0238, इसको प्लस करिए पहले 9817 हुआ, 9 कितना हुआ 17 हुआ, 33667 हो जाएगा, 426 हो जाएगा और ये हो जाएगा 213 होगा, ठीक है 9817 33667 213 4। ये देखिए आपने इसको इसको ऐड किया तो ये 4377। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्लस वाला नंबर आपने ऐड कर दिया, फिर माइनस वाला नंबर ऐड करेंगे, माइनस का नंबर ये भी है और ये भी है, यहाँ पे फिर यानी 2312 उसका 1227, इसको भी आप प्लस कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 729 होगा, 213 होगा, 325 होगा, 213 होगा, देखिए यहाँ पर 3539, तो इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। आपने क्या किया, इसको इसको और इसको आपने प्लस किया है, तो प्लस वाला जो प्लस जो माइनस वाला नंबर, फिर से समझिए जो माइनस वाला नंबर है उसको भी आप प्लस करेंगे, प्लस वाला नंबर तो प्लस रहेगा ही, लेकिन जो माइनस वाला भी नंबर है उसको भी आप पहले प्लस करेंगे, तो माइनस वाले नंबर को जब आपने प्लस किया है, जिस नंबर की आगे माइनस साइन है उस नंबर को आपने, दो नंबर है 2312 1127, फिर आपने इसको प्लस किया तो आया 3539। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को सेपरेट करेंगे, यहां लिखेंगे 4397 में से 35, अब इससे आपको मतलब नहीं, इसको कट कर देंगे, 3539 हुआ, इसको आप माइनस करिए, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, इससे क्योंकि बॉरो लेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा,
इसने इसको इवॉल्व किया तो यहां पर 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहां पे आइए 3 में से 5 नहीं जाएगा, ये से बॉरो मांगेगा ये 13 13 में से 5 किया 8 हो जाएगा, इसने इसको वन बार हो गया तो 3 में से 3 है 0। तो आपका आंसर आएगा कितना 838 है। चलिए अब देखिए ए बी सी डी सेम पैटर्न होगा, ई के बाद आइए सीधे ई एफ, ई के बाद एच आइए। एक और बता देना है एच वाला आइए, अब आइए एच वाले में, एच वाले में 3750 प्लस का 1830 माइनस 1120 माइनस 2115। देखिए ध्यान से, इसमें वही चीज है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस वाला नंबर ऐड करेंगे, तो प्लस वाला नंबर 3750 1830 को ऐड करिए, यहाँ पर लिखिए 3750 उसमें 1830, ये आपका पहला स्टेप है। 0538 7815 3 1415। देखिए आपने 3750 1830 को ऐड किया है तो 5580 आया। अब उसके बाद देखिए माइनस, अब देखिए माइनस वाला नंबर ये भी है और ये भी है, तो माइनस वाला दोनों दो नंबर है, जैसे प्लस वाला दो नंबर था उसी तरह माइनस वाला भी दो नंबर है, आप इन दोनों को प्लस करिए 1120 और 2115। यहाँ पर लिखिए 1120 2115, अब इसको भी प्लस करिए 5213 23 आया, अब यह है 3235। आप भी देखिए इन दोनों को प्लस किया 5580 आया, फिर इन दोनों को प्लस किया 3235। अब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड को सेपरेट कर रहे हैं, आप फिर इसको ऐसे कट कर दीजिए, हमें 5580 में से कितना माइनस करना है 3235। अब ये 0 में से 5 नहीं जाएगा तो माइनस करना है, किसके माइनस का बोलो, 10 में से 5 किया 5, 7 में से 3 किया 4, 5 में से 2 किया 3 और 5 में से 3 किया 2, तो इसका आंसर आएगा 2345। तो याद रखिएगा इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करिएगा, जब आपको एडिशन और सबट्रैक्शन एक साथ करना हो तो सबसे पहले आप एडिशन करेंगे, प्लस वाले नंबर को पहले हमने एडिशन किया, फिर उसके बाद माइनस वाले नंबर को भी आप प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट से सेकंड को सबट्रैक्ट कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे देखिए यहां दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा और फिर इसको समझ से करिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है स्टेप नंबर 1, ऐड द नंबर विद प्लस साइन, जिस नंबर के आगे प्लस साइन लगा है उस नंबर को प्लस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में जिस नंबर के आगे माइनस साइन लगा है उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस साइन जिस नंबर के आगे लगा है उसके पहले आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर को प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे 3178 और 2042 इन दोनों को प्लस किया गया है, ये दूसरा स्टेप हुआ। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको तीन स्टेप में क्योर करना है और इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसी पर ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इसी तरह से करिएगा। अब आइए वर्ड प्रॉब्लम, अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए,
जो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जब आप किसी समस्या को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपने समझ से करके दूसरों को दिखाते हैं, अगर वो सही है तब तो सही माना जाता है और अगर वो गलत है तो गलत। इसी तरह मैथ में भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि उसमें एडिशन करना है या सबट्रैक्शन करना है। अब इसके लिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, लिखा इन ए पोल्ट्री फॉर्म, एक पोल्ट्री फॉर्म है जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती हैं, 3683 एग्स वेयर कलेक्टेड इन द मॉर्निंग। देखिए जहाँ पर मुर्गी फार्म है, जहाँ पर मुर्गियाँ रखी है जाती हैं, वो मुर्गी खाने के अंदर सुबह के समय जो 3683 अंडे इकट्ठा किए गए। फिर उसका कह रहा है 2160x वेयर सेंट टू द मार्केट। देखिए सुबह के समय हमने मुर्गी खाने से 3653 अंडे इकट्ठे किए, उसके बाद उसमें से 2160 अंडे जो है बाजार में भेज दिए बेचने के लिए। मार्केट बाई द आफ्टर दोपहर के बाद हमने कह दिया 2160 अंडे दोपहर के बाद बाजार में बेचने को दे दिए। अब कह रहा हाउ मेनी एग्स वेयर रिमेनिंग इन द फार्म। दोपहर में जितने भी अंडे हमने बेच दोपहर के बाद जो भी जितने भी अंडे हमने बाजार में भेजना था उसको भेज दिए। अब उसके बाद पूछ रहा है उस मुर्गी खाने में कितने अंडे बचे, इसके लिए वही होगा इसका सॉल्यूशन आएगा। इसलिए टोटल एक्स कितने अंडे हमने इकट्ठे किए हैं। देखिए सुबह के समय हमने 3683 अंडे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद लिखा है एक्स सेंट टू द मार्केट। अब उन अंडों को इकट्ठा करने के बाद हम उसको बाजार में भेज दिए बेचने के लिए। कितने अंडे भेजे, 2160 अंडे भेज दिए। तो अब उसमें कितने अंडे बचे, लिखा है रिमेनिंग एक्स। अब उसमें कितने अंडे बचे आपके पास, भेजने के बाद आपके पास कितने अंडे बचे, तो 3683 में से 2160 को माइनस करेंगे, उसकी भी वही चीज है जहाँ पर 1, 10, 100 और 1000 का पॉइंट बनाए, 3683 माइनस 2160 आपने इसको माइनस किया तो 3 + 8 = 2, 6 + 1 = 5, 3 + 2 = 1। इसका मतलब कि आपके पास जो अंडे कितने बचे, 15.3। देखिए आपके पास जो है अंडे जो है 1523 बचे। तो ये अंडे जो है पार्क हाउस जहां मुर्गी खाना है वहां से इतने अंडे हमने रख लिए और जितने उसके बाद जो जितने अंडे थे उसको हमने बाजार में भेज दिया बेचने के लिए। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन। अगर एडिशन का टॉपिक है तो एडिशन करना पड़ेगा और सबट्रैक्शन का टॉपिक है तो आपको सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब अगले वीडियो में 3E हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए सिंपलीफाई और वर्ड प्रॉब्लम ये दोनों हमने आपको कराया, इसको आप समझिएगा और जब इस सिंपलीफाई को सॉल्व करिएगा तो पीछे इस एग्जाम्पल की हेल्प ले लीजिएगा। हालांकि हमने आपको समझा दिया है फिर भी इसको इसकी हेल्प लेके करेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। डेट सॉल्व।